सलमान खान और कटरीना कैफ की मोस्ट अवेटेड फिल्म टाइगर 3 जल्द ही सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है। हाल ही में इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज किया गया, जिसमें सलमान खान का एक्शन और इमरान हाशमी का खतरनाक लुक व्यूअर्स को काफ़ी पसंद आया है। अब फैंस बड़ी ही बेसब्री से टाइगर 3 का इंतज़ार कर रहे हैं। इस बीच सलमान ने फिल्म से पहले गाने लेके प्रभु का नाम का पोस्टर रिलीज कर दिया है। इस पोस्टर में सलमान और कटरीना रोमांस करते नजर आ रहे हैं। टाइगर 3 के पहले गाने को लेकर सलमान खान ने कैप्शन भी ज़बरदस्त लिखा है। सलमान खान ने लेके प्रभु का नाम का पोस्टर रिलीज करते हुए लिखा, पहले गाने की पहली झलक, लेके प्रभु का नाम, और हाँ ये है अरिजीत सिंह का पहला गाना मेरे लिए। इसके साथ ही सलमान खान ने गाने की रिलीज़ डेट भी शेयर की। उन्होंने बताया कि लेके प्रभु का नाम गाना 23 अक्टूबर को रिलीज़ होगा। सलमान खान के इस पोस्ट पर लोग खूब रिएक्ट कर रहे हैं, अपनी रिएक्शंस भी दे रहे हैं, क्योंकि सलमान खान और अरिजीत सिंह ने अपनी 10 साल पुरानी दुश्मनी को भुलाकर टाइगर 3 के लिए एक साथ काम किया है। बता दें कि सलमान खान और अरिजीत सिंह के बीच 2014 में विवाद शुरू हुआ था। साल 2014 में एक अवार्ड फंक्शन के दौरान अरिजीत सिंह स्टेज पर अवार्ड लेने जाते हैं तो होस्ट सलमान खान कहते हैं, तुम विनर हो। इस पर अरिजीत सिंह कहते हैं, आप लोगों ने सुला दिया। केवल इतनी सी बात भाईजान को बहुत बुरी लगी थी। इसके बाद अरिजीत के गानों को सलमान खान की फिल्म भाईजान, किक और सुल्तान से हटा दिया गया था। साल 2016 में अरिजीत सिंह ने सलमान खान से माफ़ी मांगते हुए फिल्म सुल्तान में अपने गाने के वर्जन को रखने की रिक्वेस्ट भी की थी, लेकिन इसका भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ था। इस बात का खुलासा खुद अरिजीत ने अपने एक सोशल मीडिया पोस्ट में किया था।